जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा 2 दिन का ट्रिप था ये सिंगापुर का, जो कि हो चुका है कंप्लीट। तो आज हम जाने वाले हैं कुआलालंपुर के लिए मलेशिया। तो हम बाय रोड जो है वो हम मलेशिया जाएंगे, क्योंकि हमने बस का टिकट परचेज़ किया है। बाहर हमारी वैन आ चुकी है हमें लेने के लिए। अभी बस हम बैठ के निकलने वाले हैं यहाँ से, और बाकी सारा प्रोसीजर जो है यहाँ का इमिग्रेशन का वो भी आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिंगापुर की जो इमिग्रेशन है वो बड़ी जदीद है। आप सिर्फ़ अपना पासपोर्ट स्कैन करें और आपकी जो है ना इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। सारा आपका जो है वो डाटा उनके पास चला जाता है, आपकी एंट्री एग्ज़िट सब उनके पास इजीली चली जाती है। तो सिंगापुर जो है वो जिद्दत में बहुत आ गया है। तो यहाँ पर भी जो इनकी इमिग्रेशन है वो भी सेम इसी तरह, आप पासपोर्ट स्कैन करें और आपकी इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जी बाय रोड मलेशिया की इमिग्रेशन हमने अभी कंप्लीट कर ली है। तो अभी इमिग्रेशन के बाद हम आ चुके हैं सिंगापुर से मलेशिया। तो इस टाइम हम मलेशिया में मौजूद हैं और बाकी का कुआलालंपुर का सफ़र हमारा इसी बस में गुजरने वाला है। तो काफ़ी अच्छी बस है, काफ़ी अच्छा सफ़र है। जहाज से ज़्यादा जो है एंजॉय हम इस बस में कर रहे हैं। मेरा आप दोस्तों के लिए भी यही मशवरा है कि अगर आप भी सिंगापुर से मलेशिया आना चाहते हैं या मलेशिया से सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आप बाय बस जाइएगा, ना कि बाय एयर जाएं। एक तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, दूसरा आप सारे नज़ारे देखते हुए जाएंगे। बहुत खूबसूरत रोड है, बहुत खूबसूरत एरिया है, हर तरफ सब्ज़ा है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैंने ये सफ़र किया, मुझे पहले ये था कि शायद जो है ना बाय रोड हम जाएंगे, थकावट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत इंजॉय किया हमने इस सफ़र को, और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा और यही रिकमेंड करूंगा कि आप बाय बस ही जाइएगा। इसमें आपके पैसे भी बचेंगे और आप इंजॉय भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो ट्रैवलिंग करते हैं तो उन्हें इंजॉय ही करना चाहिए। इस टाइम मौजूद हैं हम मलेशिया मोटरवे पर। तो सफ़र के दौरान ये कोई 10 से 15 मिनट का वक्फा आया है, जैसे पाकिस्तान मोटरवे पर आप रुक कर खाना वाना खा सकते हैं या किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जा सकता है। तो सेम उसी तरह का ही ये 10 मिनट का टाइम मिला हमें। तो अभी जिन लोगों ने कुछ खाना पीना वो खा सकते हैं, या अपनी कोई और ज़रूरत पूरी करनी तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा सफ़र शुरू हो जाएगा हमारा कुआलालंपुर के लिए। जी यह है हमारे होटल का रूम, ये 2 बंदों के लिए ट्विन शेयरिंग रूम है। काफ़ी बड़ा रूम है, खुला, बड़े बेड हैं इसके, और ये आप सामने देख सकते हैं एक टेबल है, एक चेयर है, और बाकी पानी की बोतलें हैं। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है और बड़ा साफ़ सुथरा वॉशरूम है। ये देखें, नहाने के लिए करायदा सेटअप है, और कपड़ों के लिए ये देखें
बड़ा ही अच्छा रूम है, खुला रूम है। इससे पहले हम सिंगापुर में थे तो इतने बड़े रूम नहीं थे, वो बहुत छोटे रूम थे। और ये यहाँ से बाहर का नज़ारा कुआलालंपुर का।